तो दोस्तों आपको कल याद होगा हमने इस वाले एक्वेरियम को बनाया था अपनी गोल्ड फिश के लिए, फिर हमने अपनी फिशेस का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रख दिया था। तो अब टाइम आ चुका है हमारी फिशेस को इस एक्वेरियम में रिलीज करने का। जब तक इन फिशेस को मैं एक्वेरियम में छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताओ नेक्स्ट फिश आप कौन सी देखना चाहते हो, क्योंकि हमारा जो बड़ा एक्वेरियम है वो खाली हो चुका है। टुट्टू की जितनी दोस्त फिश बनी थी वो सारी की सारी अब दूसरे एक्वेरियम में चली गई है ना टुट्टू। अब टाइम है फिशेस को एक्वेरियम में डालने का। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ गोल्ड फिश और देखो कितनी ज्यादा खूबसूरत है हमारी फिश, और ये गई मछली पानी के अंदर। अब टाइम है रेड कैप को इसके अंदर छोड़ने का, तो रेड कैप को भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। 450 रुपए मेरे बेकार नहीं गए, और देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये एक्वेरियम। इस सौदे को मैंने प्लास्टिक के बॉक्स से सीधा बना दिया एक्वेरियम, मतलब सौदा नहीं, माफ करना। फाइनली इस बॉक्स का कुछ लुक ऐसे आ रहा है। कमेंट में बताना मत भूलना आपको एक्वेरियम कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।